चलो करें। जय मूल्यवासी साथियों, आप सभी को क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन की बहुत सारी मंगल कामनाएं। बाबसेब के सोशल मीडिया की टीम की तरफ से आज ये जो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी के जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया, इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। और जो विषय साथियों आज यहाँ पर चर्चा के लिए रखा गया है कि सावित्रीबाई फुले जी के जीवन संघर्ष से हम लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है, या आज भी वर्तमान में जो जिस मकसद के लिए क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी ने आंदोलन किया, लगभग 50 साल वही इस सार्वजनिक जीवन में रही, तो वो जो 50 साल उन्होंने समाज में जो लगाए, उसके बाद में जिस मकसद के लिए उन्होंने जीवन और जिंदगी लगाई, क्या वो मकसद पूरा हुआ। जिस नारी उत्थान की बात हम लोग कहते हैं, या महिला सक्षमीकरण की, या वुमन एम्पावरमेंट की बात कहते हैं, क्या वो लागू हुआ क्या, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। आज यहाँ पर बहुत सारे साथियों ने अपनी बात रखी, उद्घाटक के तौर पर काटकर मैडम यहाँ पर आए, और भवन में जो भी हम सारे साथी यहाँ पूर्णकालीन प्रचारक के तौर पर काम करते हैं, तो आप सभी साथियों ने जहाँ जहाँ जिन लोगों ने बात रखी उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि हम लोग जो है एक मिशन को लेकर, एक कारवा को लेकर काम करने वाले साथी हैं, और दूसरों से ज़्यादा हम इस बात की अहमियत को जानते समझते हैं। एक होता है महापुरुषों को पढ़ना, एक होता है उस महापुरुषों की विरासत को जानना समझना, और समझने के बाद में उसको अपने नए जीवन में लागू करके महापुरुषों के मकसद को अपना मकसद बनाना। पढ़ने वालों के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है कि जिस मिशन को उन्होंने शुरू किया उसको पूरा करें, मगर जो उस मिशन के साथ अपने आप को जोड़ते हैं और उस कारवा को अपना कारवा बनाते हैं, उन लोगों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हम सब उसी मिशन के साथ में काम करने वाले साथी है, तो हम लोग इस बात की अहमियत को बहुत ज्यादा जानते हैं। साथियों, आज जिस जगह पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये एरिया केशवनगर मुंडवा, यहाँ जो हमारे प्रकाश जी यहाँ पर आए, वो बाकी लोग तो नहीं जानते होंगे, मगर पूना के जो लोकलाइट है ये जानते हैं कि ये जो मुंडवा है ये अंग्रेजों के समय में सेटलमेंट कैंप था। और यहाँ पर मुंडवा में, क्योंकि अभी यहाँ पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं तो आपको बाकी चीजें बताने की बजाय इस जगह का भी अपना एक इतिहास, मुंडवा जिस जगह पर अपना ये कार्यक्रम है या बामसेब जहाँ पर अपना भवन बनाया, ये मुंडवा अंग्रेजों के जमाने में सेटलमेंट कैंप था। और यहां दो तरह की सेटलमेंट थी, क्रिमिनल ट्राइब्स जिनको कहा जाता है, उन क्रिमिनल ट्राइब्स के लिए भी अंग्रेजों ने देश भर में जगह जगह पर सेटलमेंट कैंप बनाए थे। तो उसमें से एक कैंप अंग्रेजों का इस मुंडवा में था, और ठीक उसी तरीके से महार सेटलमेंट कैंप भी मुंडवा में था। मुंडवा जो है ये सेटलमेंट कैंप था, और इस सेटलमेंट कैंप में एक क्रिमिनल ट्राइब्स के लोगों के लिए भी था। आज भी उसकी जमीन जो है लगभग डिस्प्यूटेड लैंड है, 90 एकड़ से ज्यादा का जो लैंड है क्रिमिनल ट्राइब्स की, सेटलमेंट का डिस्प्यूट है उस लैंड का। और दूसरा यहां महार सेटलमेंट भी था, और उसी महार सेटलमेंट में पांडुरंग बाबा जी गायकवाड़ नाम का एक आदमी रहता था, उसका 10 साल का बेटा जिसको प्लेग हुआ था। जब सावित्रीबाई फुले जी को ये जानकारी मिली कि उस 10 साल के लड़के को प्लेग हुआ है, यही नजदीक खड़पसर में उन्होंने अपने सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर जो बीमारियां यहां फैली थी उसके विरोध में, उन लोगों को बचाने के लिए उनके अपने डॉक्टर बेटे को बुलवाया, तो सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ता उन लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे थे, मगर प्लेग की बीमारी जानलेवा बीमारी मानी जाती थी जो छूने से फैलती थी। तो उस समय में जब सावित्रीबाई फुले जी को ये जानकारी मिली तो उन्होंने देखा कि उस 10 साल के बेटे को प्लेग हुआ है, उसके अपने परिवार वाले उसको छोड़कर गए हैं, तो एक माँ का जो कलेजा होता है, एक बेटे की तकलीफ माँ के अलावा और कोई समझ नहीं सकता, तो उस बच्चे को उन्होंने अपने कंधे पर उठाया, उसको मेडिकल कैंप में लेकर आए, उस बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट मिली और उस बच्चे की जान बची। मगर उस समय में वो जो बच्चे की बीमारी माता सावित्रीबाई जी को भी लगी, इन्फेक्शन हो गया, और उसी में 10 मार्च 1897 में सावित्रीबाई फुले जी का निर्वाण हुआ।
हम लोग यहाँ पर ये पूना में कार्यक्रम कर रहे, खासतौर पर मुंडवा में कार्यक्रम कर रहे, तो आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वो भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो वो सारा मामला जो है हमारे अपने संगठन के साथ में भी जुड़ा हुआ है, तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए। सावित्रीबाई फुले जी ने इस सामाजिक जीवन में 50 साल से ज्यादा का समय लगाया, 50 साल से ज्यादा का समय वो सोशल पॉलिटिकल लाइफ में थी। अब किसी भी व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ जितना हम लोगों ने पढ़ा उतना नहीं मिला। बाबा अम्बेडकर भी हम ये मानते हैं कि 1916 से लेकर 1956 तक 40 साल बाबा अम्बेडकर को रहा, जो भी हमारे महापुरुषों का आंदोलन रहा उसमें सबसे ज्यादा अगर हम ये कहें कि 50 साल सावित्रीबाई फुले जी इस आंदोलन में थी, सोशल पॉलिटिकल लाइफ में थी, वो भी कौन से दौर में, जिस दौर में महिलाओं को फैमिली लाइफ भी नहीं था। सोशल लाइफ पॉलिटिकल लाइफ एक अलग बात है, पब्लिक लाइफ एक अलग बात है, उस समय में भी नहीं था, आज भी हमारी महिलाओं को पब्लिक लाइफ भी नहीं है, सोशल पॉलिटिकल लाइफ तो दूर की बात है। शादी में घूमने के लिए जाना, कहीं मार्केट में जाना, शॉपिंग के लिए जाना, रिश्तेदारों के यहां जाना, ये पॉलिटिकल सोशल लाइफ नहीं है। हमारे चुनकर आए हुई जो महिला एमएलए है, एमपी है, या जो कॉर्पोरेटर्स है, सरपंच है, उनको भी आज पॉलिटिकल लाइफ नहीं है। तो आज से 150 साल पहले जिस बात की हम लोग कहते हैं, वो तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस दौर में सावित्रीबाई फुले जी ने यह बात शुरू की। 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल सावित्रीबाई फुले जी की तरफ से खोला गया। अब ये जो सेंटेंस है ग्रामेटिकली बहुत बराबर है, काना मात्रा वेलांटी जिसको हम कहते मराठी में, उसके हिसाब से बराबर है, मगर 19 आज से लगभग हम ये कहे कि 170 ईयर्स बैक अगर हम लोग जाकर देखे तो ये बात साधारण बात नहीं थी। जिस जगह पर सावित्रीबाई फुले जी ने अपना पहला स्कूल बनाया, आप में से बहुत सारे साथी पूना में उस जगह पर भी गए होंगे। पूना में बहुत सारे गणपति फेमस है, मगर पूना का सबसे बड़ा जो फेमस गणपति उसका नाम जानते क्या, दगड़ूसेठ हलवाई। उसी गणपति को पूना में सबसे बड़ा पवित्र गणपति माना गया, और आज भी पूना की पहचान उस गणपति के नाम से, गणपति फेस्टिवल के नाम से। उसी गणपति को बड़ा क्यों बनाया गया जानते, बराबर उसी गणपति की चर्चा क्यों हुई, उसी गणपति को बड़ा क्यों बनाया गया। जिस जगह पर ये दगड़ूसेठ हलवाई का गणपति का मंदिर है, अगर उस गणपति के मंदिर को अगर आप दर्शन लेने के लिए गए तो बीच में सड़क है और ट्रैफिक इतना होता है कि आप सड़क क्रॉस करके जा नहीं सकते, तो उस सड़क के दूसरे किनारे पर रहकर आपको दर्शन लेना पड़ता है। जब आपका मुंह गणपति की तरफ होता है, उस मंदिर की तरफ होता है, तो आपकी पीठ पीछे की तरफ होती है, और वो पीठ बराबर उसी जगह पर होती है जहां पर पहला स्कूल सावित्रीबाई फुले जी ने खोला था। जिस जगह पर सावित्रीबाई फुले जी और ज्योतिराव फुले जी ने पहला स्कूल खोला, बराबर उसके सामने ही गणपति का जो मंदिर है उसको इतना बड़ा कर दिया कि जिन लोगों को सावित्रीबाई फुले जी ने पढ़ाया वो लोग उस जगह पर तो जाते हैं, मगर जहां उनका मुंह होना चाहिए, जहां उनके हाथ होने चाहिए, वहां उनकी पीठ होती और सामने मंदिर होता। पूरे पूना सिटी में सावित्रीबाई फुले जी का एकमात्र पुतला है, यूनिवर्सिटी उनके नाम पे है, मगर यूनिवर्सिटी में भी पुतला नहीं है, और वो भी पुतला कहां बनाया, तो पूना में एक ही बाग फेमस है जहां पर सारे लोग घूमने के लिए जाते हो, सारस बाग है। उस सारस बाग में भी एक तालाब है, उसके अंदर एक मूर्ति है, मंदिर है, वहां भी एक बड़ी सड़क जाती है, तो लोग गणपति का दर्शन जो है सड़क क्रॉस करके नहीं लेते, जल्दबाजी में होते तो उसी जगह पर खड़े होकर लेते हैं। बराबर उस गणपति के सामने जब लोग खड़े होते तो उनकी पीठ जिस साइड में होती है उसी जगह पर सावित्रीबाई फुले जी का पुतला है, और कई जगह पर उनको जगह नहीं मिली, उसी जगह पर उनको सावित्रीबाई फुले जी की स्टैचू बनवाने के लिए जगह मिली। तीसरा, जिस जगह पर सावित्रीबाई फुले जी ने स्कूल खोला उसके बराबर सामने गणपति का मंदिर है, उसी गणपति के मंदिर के पीछे थोड़ा सा ही बॉर्डर को लगकर उसके कंपाउंड वॉल उस जगह पर लगी हुई है, वहां पर फराज खाना नाम का पुलिस स्टेशन भी है, पहले वहां पर डीसीपी बैठता था, अभी भी शायद वहां डीसीपी का ऑफिस है। उस फराज खाना पुलिस स्टेशन के कैंपस में एक छोटा सा हौद है, वो हौद जो है उसकी भी एक बड़ी कहानी है।
ज्योतिराव फुले जी के एक सहकारी थे, उनका नाम था डॉक्टर विश्राम राम जी घोले। वो सिविल सर्जन थे, हाईली एजुकेटेड थे, और उस विश्राम राम जी घोले जी जो ज्योतिराव फुले के आंदोलन के मिशनरी साथी थे, उनकी अपनी 10 साल मतलब 5-6 साल की बेटी थी जिसको वो प्यार से बाहुली बोलते थे। ज्योतिराव फुले जी की प्रेरणा से उन्होंने उस 6-7 साल की लड़की को स्कूल में डाला। उनके अपने परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने समाज में उसका विरोध किया कि लड़की को पढ़ाने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है लड़की को पढ़ने के लिए। सावित्रीबाई फुले जी ने भी जब स्कूल शुरू किया तो कोई 1000-2000 लड़कियां नहीं थी, मात्र 6 लड़कियां ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की पहली स्कूल की स्टूडेंट थी। 6 में से भी 4 ब्राह्मण थी, 1 मराठा था, 1 धनगर थी। सावित्रीबाई फुले जी जिस जाति से आती थी वो जाति की एक भी स्टूडेंट उनके स्कूल में नहीं थी। तो 6 लड़कियों को सावित्रीबाई फुले जी ने पढ़ाया, वहां से उनकी शुरुआत हुई। आज भारत में 600 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है। आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा, जब सावित्रीबाई फुले जी ने पढ़ाना शुरू किया तो भारत में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, मगर आज 600 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में SC ST OBC की या देशभर में जितनी सारी महिलाएं वो पढ़ती है। वो जो डॉक्टर विश्राम राम जी घोले की बेटी भी पढ़ना चाहती थी, हर संभव कोशिश की उसकी पढ़ाई को रोकने की, हर तरीके से उसको रोकने की कोशिश की, मगर वो लड़ाई गुड़िया जो थी, बाहुली का मतलब क्या होता है गुड़िया, वो इतनी तेज तर्रार थी पढ़ाई में और बहुत प्यार से पढ़ाई में थी, पढ़ाई कर रही थी, तो उसकी पढ़ाई को रोकने के लिए साजिश की गई। और वो साजिश इतनी ज्यादा गंभीर थी कि उस 8 साल की लड़की को उसको मारा गया, और मारने का तरीका भी इतना घिनौना था कि उसको लड्डू दिया गया, उस लड्डू में कांच और जहर घोलकर उस 8 साल की लड़की को जहर देकर कांच खिलाकर लड्डू में उसको मारा गया। जो चिंगारी सावित्रीबाई फुले जी ने लगाई थी महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाने की, उसकी पहली शिकार जो है एक 8 साल की लड़की बनी, उसका नाम था बाहुली। वो गुड़िया जो है डॉक्टर विश्राम राम जी घोले की बेटी थी, तो उसकी याद में उन्होंने वो हौद बनाया। आज भी वहां पर वो हौद है, हम में से बहुत सारे लोग उस सड़क पर गुजरे होंगे, उस जगह पर भी गए होंगे, ना वो ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई फुले का स्कूल देखा होगा, ना उसकी कीमत चुकाने वाली लड़की जो है वो देखी होगी। आज हजारों लाखों की संख्या में हमारी महिलाएं कामयाब है, हर चीज की जो सीढ़ी है उन्होंने हासिल की है, मगर उसकी कुर्बानियां जिन लोगों ने चुकाई है उसकी जानकारी तक उनको नहीं है। सफल होना बुरी बात नहीं है, कामयाबी हर आदमी की पसंद होती है, मगर जहां आप कामयाब होने के लिए जाते हो तो अपनी जड़ें भूलना, अपनी विरासत भूलना, ये अपराध। सावित्रीबाई फुले जी लगभग 50 साल साथियों सामाजिक जीवन में थी। जब उन्होंने पहला स्कूल खोला तब उनकी उम्र 17 साल की थी। स्कूल शुरू होने के या इस सामाजिक जीवन के आंदोलन में आने के 1 साल बाद ही 1 जनवरी 1848 को स्कूल शुरू हुआ, और वो दिसंबर साल खत्म भी नहीं हुआ था, अगले ही साल मतलब पहले ही साल ज्योतिराव फुले जी के पिताजी, जिनको हम लोग कहते हैं कि गोविंदराव फुले जी, ने ज्योतिराव फुले जी के सामने कंडीशन रखा, ये सामाजिक जीवन जो है, जो सोशल लाइफ है उसको बंद कर दो, ये जो तुम झंझट कर रहे हो उसको बंद कर दो, या तो फिर तुम्हारे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं, अगर इस काम को तुम बंद नहीं करते तो तुम्हें मेरा घर छोड़ना होगा। और 1849 को ज्योतिराव फुले जी के पिताजी ने ज्योतिराव फुले जी को और सावित्रीबाई फुले जी को घर से बेदखल किया। 50 साल वो अपना जो ससुराल है उसको छोड़कर रहे, मतलब केवल समाज की तरफ से नहीं हुआ, तो सबसे पहला उनका विरोध कहां से हुआ, उनके अपने परिवार से। ज्योतिराव फुले जी ने जो काम शुरू किया तो सबसे पहला विरोध उनके पिताजी ने किया और उनको घर से बाहर निकाल दिया। और वो नई नवेली दुल्हन, कोई अपराध नहीं है, कोई दूसरा काम नहीं है ऐसा किया, अपने ससुराल से उनको निकाल दिया गया, वो कीमत उन्होंने उस समय में भी चुकाई, और लगभग उस आंदोलन को उन्होंने 50 साल चलाया। हर दौर में जब ज्योतिराव फुले जी का आंदोलन आगे गया, चरम सीमा पर गया, उस हर दौर में हर संघर्ष के मोड़ पर वो ज्योतिराव फुले जी के साथ में थी। सावित्रीबाई फुले जी की पहचान केवल यहां तक ही नहीं थी कि वो ज्योतिराव फुले जी की पत्नी थी,
तो आज हमारे यहाँ पर प्रचलन है, कोई डॉक्टर हो गया तो उसकी बीबी अपने आप डॉक्टरिन हो जाती, कोई डॉक्टर हो गया तो उसकी बीबी को डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं पड़ती, वो क्या हो जाती है, अपने आप डॉक्टरिन हो जाती है। कोई साहब हो गया, मामलेदार हो गया, तो उसकी बीबी जो है वो भी साहिबिन हो जाती है, उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्योतिराव फुले जी की पत्नी की ये पहचान नहीं थी, जितना ज्योतिराव फुले जी की समाज के अंदर पहचान है उससे ज्यादा पहचान क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी की है। और वो पहचान उन्होंने अपने खुद के काम से, अपने खुद के त्याग और समर्पण से बनाई। नहीं तो बहुत सारे हमारे सामाजिक जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि उनका अपना कोई योगदान नहीं है, मगर वो बड़ा नाम के साथ जुड़ने से बड़े हो जाते हैं, उनका अपना कोई योगदान नहीं है, मगर सावित्रीबाई फुले जी का ऐसा नहीं था। जितना योगदान, जितनी कीमत ज्योतिराव फुले जी ने चुकाई थी, उससे कई गुना ज्यादा कीमत जो है सावित्रीबाई फुले जी ने चुकाई थी। ज्योतिराव फुले जी के निर्वाण के बाद में भी वो सामाजिक आंदोलन में हो रही, 1848 से लेकर अगर उस कारवा की अगर हम लोग देखे, या उनका पहला भी जीवन अगर हम लोग देखे, तो जिस परिवार से ज्योतिराव फुले जी आए थे या जिस परिवार से सावित्रीबाई फुले जी आए थे, वो बहुत माली खासी हालत वाला, अच्छा खासा आर्थिक दृष्टि से हमें कहे कि बहुत सेफ एंड साउंड फैमिली थी। ज्योतिराव फुले जी ने भी जातीयता का कोई अनुभव नहीं लिया था, और सावित्रीबाई फुले जी को भी ये जो डिस्क्रिमिनेशन है या जो अनटचेबिलिटी है, गैर बराबरी की सोच का कोई अनुभव उनके बचपन में नहीं आया था। उनके पिताजी बहुत बड़े किसान थे, सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक थे, तो एक अच्छी खासी परिवार से उनकी जड़े थी, उनका अपना परिवार बहुत बड़ा था। और शादी करने के बाद में जब वो ज्योतिराव फुले जी के साथ में आए, वहां भी काफी अच्छा सा उनका परिवार आर्थिक दृष्टि से सक्षम था, मगर एक जो बात सावित्रीबाई फुले जी के अंदर थी वो थी कि पढ़ने की जो जिद थी, वो जो एक चाहत थी, उस चाहत ने ज्योतिराव फुले जी को उनको पढ़ाने देने का मौका मिला। और ज्योतिराव फुले जी ने देखा कि इसको पढ़ाया जा सकता, ये मेरे आंदोलन की कारवा बन सकता है, मेरे कारवा में साथ में चल सकती है, तो ज्योतिराव फुले जी ने भी सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाया। अगर पहल सावित्रीबाई फुले जी की तरफ से नहीं होती तो ज्योतिराव फुले भी उस बात को आगे लेकर नहीं जाते। तो जो पहल सावित्रीबाई फुले जी ने की वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम में से बहुत सारे लोग ये कहते कि हमको किसी ने बताया नहीं, हमको किसी ने समय पर जगाया नहीं। ठीक है, आपको समय पर किसी ने जगाया नहीं, मगर आपने भी अपने से कभी जागने की कोशिश की क्या? ये जरूरी थोड़ी है कि हर बार आपको कोई जगाए और उसके बाद ही आपकी नींद खुले। ज्योतिराव फुले को कौन जगाने के लिए गया था? साहू महाराज को जगाने के लिए कौन गया था? बाबा साहब को जगाने के लिए कौन गया था? कौन सा अलार्म उन्होंने लगाया था कि लग जाए तो फिर मैं जाग जाऊंगा? नहीं, अन्याय अत्याचार तो हर जगह पर होता है, सदियों से होता रहा, मगर उस अन्याय अत्याचार के विरोध में लड़ने की भावना निर्माण होना, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये जो एहसास, रियलाइजेशन जो है कि मैं उस समाज का हूं और ये अन्याय अत्याचार जो है ये रोकना चाहिए, ये थमना चाहिए, और इसके लिए मुझे पहल करनी चाहिए, ये एहसास जिसके अंदर है वही आदमी पहल करता है। ज्योतिराव फुले जी ने पहल की, सावित्रीबाई फुले जी ने भी पहल की, और उसी पहल के कारण साथियों आज बहुत बड़ा कारवा खड़ा हुआ। सावित्रीबाई फुले जी ने अपने दहली से जो पहला कदम बाहर निकाला, एक था जो वो अपने शादी करने के बाद में घर में आए थे तो दहलीज के अंदर जो पहला कदम रखा था वो हजारों महिलाओं ने रखा था, लाखों महिलाएं आदमी रखती। शादी करने के बाद में जब महिलाएं घर में आती तो पहला कदम जो है वो घर में रखती, उसको बड़े सम्मान के साथ ये किया जाता। जब कोई औरत, जब कोई लड़की बहू बनकर जब घर में पहला कदम रखती है तो उसका सम्मान होता, हजारों लोग उसको देखने के लिए आते, बड़ा कार्यक्रम होता है, खुशियां मनाई जाती है। मगर वही सावित्रीबाई फुले जब अपना उसी घर से पहला कदम दहली से बाहर डाल रही थी, हंगामा खड़ा हो गया। इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ, परिवार में हंगामा हुआ, समाज में हंगामा हुआ, मगर उस एक कदम ने भारत और दुनिया के नक्शे में एक बहुत बड़ी क्रांति पैदा की। इतना बड़ा वो काम रहा, वो एजुकेशन तक मामला नहीं था, वो हजारों सालों की परंपराओं को तोड़ने का काम हुआ और उस परंपरा ने एक नया इतिहास बना दिया। साथियों, ज्योतिराव फुले जी के इस आंदोलन में सावित्रीबाई फुले जी का कितना बड़ा रोल है, हम लोग सारे बामसेब के लोग हैं, इतिहास को जानते पढ़ते समझते हैं, हम उस सारी बात की अहमियत जानते हैं कि उस इतिहास में कितनी बड़ी प्रेरणा हम लोगों को मिलती है। सत्यशोधक समाज जब ज्योतिराव फुले जी ने बनाया,
तब उनके साथ में उन्होंने कितना ताकत से साथ किया, या जिस बात का जिक्र खटकर मैडम ने आपके साथ में किया, जब बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला गया उसकी भी एक कहानी है। ज्योतिराव फुले जी के एक साथी थे सदाशिव राव, उनके काफी नजदीकी दोस्त थे, और उस सदाशिव गोवंडे, उनका नाम सरनेम जो था सदाशिव राव गोवंडे था, उनके घर के पास में घटना हुई। उस समय में उनके पास में, उनके घर में काम करने के लिए ब्राह्मण विधवा महिला काम करती थी, और उस विधवा महिला के साथ में उसी एरिया के एक शास्त्री बुआ ने, एक ब्राह्मण ने, विधवा औरत थी, जवान थी, तो उसके साथ में रिश्ते बनाए, और उस रिश्ते से एक बेटा पैदा हुआ। जब बेटे की जिम्मेदारी लेने की बारी आई तो उस पंडित ने, शास्त्री बुआ ने अपने हाथ खड़े कर दिए, मगर वो जो माँ है उससे बच नहीं सकती थी, उसने उस बच्चे को जन्म दिया। मगर बच्चे का जन्म देने के बाद में उसके सामने संकट था कि विधवा का बेटा है तो क्या होगा, कहाँ से आया, उसके चरित्र पर सवाल खड़ा हो सकता था। तो उसने उस नए जन्मे बच्चे को उसी पास में कुएं में डाल दिया। डालने के बाद में जब वो दोबारा ऊपर आया तो हंगामा खड़ा हुआ, उसकी इंक्वायरी हुई, बहुत सारा मामला आगे बढ़ा, उसके अखबार में भी काफ़ी सारी चर्चा हुई। और जब चर्चा हुई तो उस चर्चा की प्रतिक्रिया ज्योतिराव फुले जी के ऊपर भी हुई, सावित्रीबाई फुले जी के ऊपर भी हुई, और फिर उन्होंने देखा कि मामला केवल एक महिला का नहीं है, ऐसी सैकड़ों हजारों ऐसी महिलाएं जिनको ये सारा भुगतना पड़ता है। तब ज्योतिराव फुले जी ने इन सारी महिलाओं को एक बड़े भाई के तौर पर, एक बड़े पिता के तौर पर ये जिम्मेदारी को समझा, और वो बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। और उसी में से एक विधवा महिला गोदू, मतलब काशीबाई जोशी, उसका बेटा उन्होंने गोद लिया और उसको बाद में डॉक्टर भी बनवाया। इतना बड़ा जिगर, इतना बड़ा कलेजा ब्राह्मण भी कभी दिखा नहीं पाए, दिखाना तो छोड़ो, इतना बड़ा कदम ज्योतिराव फुले जी ने उठाया उसका स्वागत होना चाहिए था, नहीं। ये ज्योतिराव फुले जी के इस आंदोलन में जितने भी निर्णय ज्योतिराव फुले जी ने लिए उसमें सावित्रीबाई फुले जी की जो छाप है या उसका जो प्रभाव है वो दिखाई देता है। ज्योतिराव फुले महिलाओं को पढ़ाना चाहते थे, क्यों पढ़ाना चाहते थे? सावित्रीबाई फुले महिलाओं को पढ़ाना चाहते थे, क्यों पढ़ाना चाहते थे? क्या वो महिलाओं को केवल चूल और मूल से बाहर निकालना चाहते थे, महिलाओं को आधुनिक बनाना चाहते थे? तो आधुनिकता कौन सी चीज की थी? आज आधुनिकता हमारे पास में आई है, महिलाओं के पास में है, पुरुषों के पास में, अगर वो आधुनिकता कपड़ों और मोबाइल के अलावा, टेक्नोलॉजी के अलावा नहीं है। कल रात के साथ जो घटना आपने अखबार में पढ़ी होगी, रात के अंधेरे में दो महिलाएं सबरीमाला मंदिर में दर्शन के लिए गई, कल रात की खबर है, शायद आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, सुना होगा। रात में अंधेरे में दो महिलाएं वहां पर गई और उन्होंने वहां जाकर भगवान अयप्पा जो है उसका दर्शन लिया। तो आज वहां के पंडितों ने पानी डालकर, पवित्र जल डालकर उसको शुद्ध किया है, ये आज की घटना हमारे सामने है। तो ये सारा हुआ, तो एक तरफ सावित्रीबाई फुले जी की हम लोग जयंती मना रहे, और दूसरी तरफ उसी देश में दो महिलाओं के मंदिर प्रवेश के करने के कारण भगवान अपवित्र हो गया। अयप्पा जो है उस मंदिर में लगभग 800 सालों से महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है, 10 से लेकर 50 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं वहां पर उनके प्रवेश पर पाबंदी है। क्यों ऐसा है? तो अगर जो उस उम्र की जो महिला 10 साल से लेकर 50 साल की जो महिलाएं अगर वहां पर गई तो अयप्पा ब्रह्मचारी है, और ब्रह्मचारी होने के कारण वो महिलाओं से दूर रहता है, और अगर महिलाएं वहां पर गई तो उससे वो अयप्पा जो है प्रदूषित हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, और केवल पोल्यूटेड नहीं हो जाता तो उसकी जो शक्ति है वो भी कम हो जाती। तो एक महिला की मौजूदगी अगर किसी भगवान की ताकत को छीनती है तो भगवान कैसा भगवान होगा, आप इसका अंदाजा लगा। उसी समय में साथियों सुप्रीम कोर्ट में एक महिला जज भी है, इंदु मल्होत्रा, वो इस बात के विरोध में है कि एक महिला मंदिर प्रवेश का काम करे। चार पुरुषों ने महिलाओं के मंदिर प्रवेश को सही ठहराया और इंदु महिला ने उसके विरोध में कहा कि संविधान को और कानून को, आस्था और परंपरा को मान्यता देना चाहिए, और आस्था और परंपराओं के निर्णय जो है ये समाज के ऊपर छोड़े जाने चाहिए, ये समाज को नियमित करने चाहिए, ये कानून और संविधान का या न्यायपालिका का काम नहीं है, जिसकी परंपरा है उसको मानने का अधिकार है।
सावित्रीबाई फुले जी की कोशिश के कारण एक ब्राह्मण महिला जो है सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। एक अपर कास्ट महिला, एक सवर्ण जाति की महिला जो है, ये वही महिलाओं में कोई ऊंच नीच नहीं होता, महिला तो सारी अवर्ण है। ब्राह्मणों की व्यवस्था में केवल पुरुष ही है, ये महिलाओं को अवर्ण घोषित करती है। और कितना अवर्ण घोषित करती है, कितना महिलाओं को पीड़ित करती है, पुराना मामला नहीं बताता हूं आपको, तो आपका आज का एग्जाम्पल बताता हूं। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इमरजेंसी के बाद में वो साउथ इंडिया के दौरे पर आई थी, तो कांची कामकोटी के शंकराचार्य को वो मिलने के लिए उसने अपॉइंटमेंट भेजा। अपना एक खास आदमी वहां का जो सीएम था उसको वहां पर जिम्मेदारी लगाई कि मुझे कांची कामकोटी के शंकराचार्य को मिलना है। एक प्रधानमंत्री जो सबसे डैशिंग मानी जाती थी, उसने एक शंकराचार्य, मतलब उसके दृष्टि से शंकराचार्य मतलब एक जिले का एक मठ संभालने वाला मठाधिपति, उस शंकराचार्य को उसने मिलने के लिए कहा कि मैं आपको मिलना चाहती हूं। तो शंकराचार्य ने एक मैसेज भेजा, देश की प्राइम मिनिस्टर रहने वाली इंदिरा गांधी को मैसेज भेजा कि मैं विधवा औरत का मुंह नहीं देखता। उसने मैसेज जो भेजा वो क्या था कि मैं विधवा औरत का मुंह नहीं देखता। एक प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी धर्म के अंदर उसकी औकात क्या थी, औरत, और औरत के अंदर भी विधवा। क्योंकि भारत की समाज व्यवस्था में, धर्म व्यवस्था में कौन सी महिलाओं को प्रतिष्ठा है, केवल और केवल जिस महिला का पति सुरक्षित है, जिंदा है, उसी महिला की प्रतिष्ठा है। उसके बाद दूसरा, वो अगर उसका पति जिंदा है मगर अगर उसको बेटा नहीं है, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। बेटिया है कोई फर्क नहीं, बेटा है तो ही उसकी प्रतिष्ठा है। और वो संस्कार हजारों सालों से, मराठी से उदाहरण अपने सांगतो, ये लग्न कार्यामध्ये किंवा धार्मिक कार्यामध्ये हळकुंड वापरतात। आणि ते हळकुंड कोणतं वापरतात, म्हणजे महिलांना माहिती आहे कोणतं वापरतात, लेकुरवाळा जे हळकुंड आहे ते कोणतं वापरतात, हल्दी का एक तुकडा लगाया जाता है, उसको हर धर्म कार्य में यूज किया जाता है, तो उसको एक फाटा थोड़ा सा उसका सबलिंग अगर निकला है वही उसको यूज किया जाता है। वो एक प्रतीक है कि जिसका बेटा है वही पवित्र है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, दो दो बेटों की मां थी, मगर विधवा थी। तो शंकराचार्य ने कहा कि मैं इसका मुंह नहीं देख सकता। अगर उस धर्म की व्यवस्था भारत में होती तो इंदिरा गांधी की क्या औकात होती, उसको कोई पूछता नहीं पूछता। मगर ब्राह्मणों की महिलाएं हो या ये जो व्यवस्था के अंदर जो ऊंचे जाति की जो महिलाएं हैं, वो इतनी गुलाम बनने के बाद में भी उस व्यवस्था को बचाने के लिए सक्रिय है। और जिन एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं को आजादी देने के लिए सावित्रीबाई फुले जी ने आंदोलन चलाया, उनको खबर ही नहीं। तो सबरीमाला का हो या शनि मंदिर का हो, उसके प्रवेश के लिए उनको लगाया जाता है। आज भारत में असमानता जो है वो चरम सीमा पर है, और उस असमानता में भी स्त्री असमानता जो है वो सबसे ज्यादा चरम सीमा पर है। अभी कल परसों एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ, बहुत ज्यादा गंभीर है, कि सवर्णों की महिलाएं और एससी एसटी बीसी की महिलाएं, इनके ऊपर एक रिसर्च पब्लिश हुआ, आप लोगों को जानकारी लेनी चाहिए। एक रिपोर्ट सामने आया कि एससी एसटी बीसी की जो महिलाएं हैं और सवर्ण जाति की जो महिलाएं हैं, इनके ऊपर रिसर्च होने के बाद में सामने आया कि एससी एसटी ओबीसी की महिलाएं सवर्ण महिलाओं से 14 साल पहले मर जाती है। एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं की एवरेज एज और ऊंचे जाति की महिलाओं की एवरेज एज जो है, इसमें कितना अंतर पड़ा है आज, तो एससी एसटी ओबीसी की महिला है 14 साल पहले मर जाती है, बीमारी के कारण, माल न्यूट्रिशन के कारण, स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण, जल्दी बच्चे होने के कारण, सैकड़ों ऐसे कारण है। 14 साल पहले हमारी मां, हमारी बेटी, हमारी बहू मर जा रही है, और सवर्ण जाति की महिलाएं 14 साल हम लोगों की महिलाओं से ज्यादा जीती है। इतना ज्यादा अंतर आया, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जिनोसाइड, कितना बड़ा नरसंहार हमारी महिलाओं का, हमारी माताओं का, हमारी बेटियों का हो रहा। इसका अंदाजा भी नहीं है, इसकी कोई चर्चा मीडिया में नहीं हो रही, किसी को खबर तक नहीं कि कितना साइलेंट किलिंग जो है यह हो रहा। हर जगह पर यह सारी बातें हो रही है। जो व्यवस्था सावित्रीबाई फुले बनाना चाहती थी, वो संविधान के माध्यम से बाबा साहेब अंबेडकर ने लागू की, एक नया दौर इस देश के अंदर है, मगर कहां है वो व्यवस्था, और कहां है वो हमारी महिला, कहां है हमारी बेटी, कहां है हमारा समाज उनको तरफ देखने का। वो सारी बातें साथ ही हम लोगों को जानने समझने की जरूरत है।
आज वो संकट बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। हम लोग सामाजिक जीवन में जीने वाले लोग हैं, मगर सामाजिक जीवन में जीने वाले लोगों को इस बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से समझने की जरूरत है कि इस जागरण प्रबोधन को अगर ज्यादा स्केल में बढ़ाना है तो उसमें महिलाओं का सहभाग या हमारे अपने आंदोलन की जो नींव है उसका सहभाग कितना ज्यादा जरूरी है। सावित्रीबाई फुले जी ने जाना था कि अगर इस गुलामी को मिटाना है, उस गुलामी को मिटाने की एकमात्र तरीका है कि समाज की महिलाओं को आंदोलित करे, महिलाओं को जागृत करे। इसलिए उन्होंने ज्योतिराव फुले जी ने इस नींव को रखा, मगर आज उस नींव के अंदर से जो सारा मामला बना हुआ है, महिलाएं पढ़ी लिखी है, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हुई है, बहुत ज्यादा एडवांस है, हर जगह पर महिलाएं दिखाई देती है, मगर उस जगह पर जाने के बाद में भी वो अपनी परछाई खो चुकी है। चीन में साथियों एक बहुत फेमस कहानी बताई जाती रही, एक राजा था और उस राजा की तरफ से एक बार उन एरिया के पुरोहितों को पंडितों को बुलाया गया और उस सम्मान में गलती से उस राजा का एक पैर एक पंडित को लगा। और आप लोगों ने देखा है कि हमेशा ब्राह्मण श्राप देते रहे, तो उन्होंने उस ब्राह्मण ने राजा को श्राप दिया और श्राप क्या दिया कि फला फला अमावस के बाद में तेरी परछाई नष्ट हो जाएगी, एक श्राप दिया। और श्राप भी क्या श्राप था, तो फला फला अमावस के बाद में तेरी परछाई खत्म हो जाएगी। अब राजा शूरवीर था, ताकतवर था, उसने सोचा कि देकर कौन सा श्राप दिया, क्या श्राप दिया मुझे, तेरी परछाई खत्म हो जाएगी। राजा को लगा परछाई खत्म हो जाएगी तो कौन सा मेरा नुकसान हो जाएगा। राजा बेचैन था, आराम से जिंदगी जी रहा था, बेखौफ था। अमावस्या आ गई, अमावस्या आने के बाद में जब राजा सवेरे उठा, उठने के बाद में उसने देखा कि उसकी कोई परछाई नहीं गिर रही। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं कि जिसकी परछाई नहीं होती। आदमी धूप में खड़ा होगा, पत्थर भी हो तो पत्थर की भी परछाई पड़ेगी, मिट्टी है तो मिट्टी की भी परछाई गिरेगी। राजा जब उठा तो उसने देखा कि वो सारा जिंदगी जी रहा, उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ, बस एक चीज उसकी खत्म हो गई, क्या, परछाई। जैसे उसकी परछाई खत्म हो गई, लोग उससे भागना शुरू हो गए, डरना शुरू हो गए। जैसे उसकी परछाई खत्म हो गई, क्या हुआ, उसके अपने सगे संबंधी, उसके अपने लोग, उसके सिपाही, उसके बेटे, उसके परिवार के लोग उससे डरने लगे, भागने लगे कि ये कौन सा इंसान है कि जिसकी परछाई नहीं है। हमने कहानियों में सुना था कि भूतों की परछाई नहीं होती, ये भूत ही दिखाई देता है। राजा जिंदा है, मगर उसके अपने बेटे, उसके अपने परिवार वाले उससे डर रहे थे, उसके दरबारी उससे डर रहे थे और वो भाग रहे थे। क्यों, उस राजा की कोई चीज नहीं गई थी, बस उसकी परछाई छीनी गई थी। वो पागल हो गया और वो उस महाराज के पास में गया कि मेरा राज ले लो, मेरी हर चीज ले लो, बस मुझे क्या दे दो, परछाई, क्योंकि मैं परछाई के बगैर जी नहीं सकता, परछाई मेरा जिंदा होने का सबूत है। मुर्दे की भी परछाई होती है, लोग मुझे जिंदा नहीं मान रहे, मुझे लोग भूत समझ रहे, लोग मुझे डर रहे, मुझसे डर रहे, आप कुछ भी करो मगर मुझे परछाई लौटा दो। फिर राजा उसकी गलती का, उसको पश्चाताप होता है तो उसको माफ कर देता है। वो महाराज उसको कहता, ले तेरी परछाई ले। उस राजा की कुछ दिनों के लिए परछाई गायब हो गई तो राजा पागल हो गया। मिन्नत करके उसने अपनी परछाई हासिल की, मगर भारत की समाज व्यवस्था में महिलाओं को देखते हजारों सालों से है, उसका वजूद ही नहीं है। अगर राजा की परछाई छीनी गई तो वो पागल हो गया, महिलाओं का क्या वजूद, उसकी क्या पहचान है समाज व्यवस्था में, उसकी अपनी कोई पहचान है, उसका अपना कोई स्थान है, उसकी अपनी कोई पहचान है। आप किसी के भी घर में गए होंगे, आपको फील्डवर्क करते समय अनुभव आया होगा, बहुत बार हम किसी कार्यकर्ता को मिलने के लिए जाते, दरवाजा बजाते हैं, तो सर को मिलने के लिए आए, वो कार्यकर्ता को कहते हैं कि भाई साहब घर में है क्या, तो दरवाजे पर जो खड़ी औरत होती है वो क्या कहती है, मैं घर में कोई नहीं, मैं घर को नहीं, अनुभव आया होगा, वो क्या कहती है, मैं घर में कोई नहीं, वो खुद ही घर में है, दरवाजे पर खड़ी है मगर क्या कहती है, मैं घर को नहीं बंद, मैं घर में कोई नहीं है। अरे तू कहां पर है, वो कहां पर है, वो क्या कहती है, नहीं घर में कोई नहीं है। घर का मतलब क्या है, घर में काम करने वाली जो हमारी महिला है, अगर उसको पूछा जाए कि भाई आप क्या कहती हो, क्या करती हो, वो बेहतरीन अंग्रेजी से जवाब देती है, क्या कहती है, हाउसवाइफ है। तो घर में जब हस्बैंड है तो उसको क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए,
हाउस हस्बैंड कहना चाहिए, कहा जाता है। अंग्रेजी में शब्द बनाए गए, मैडम जानती होंगी, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंट्स नहीं है। अभी कभी बारीकी से आपने इन शब्दों को सुना नहीं होगा, क्या कहा जाता है? लेडीज एंड जेंट्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज को उसमें काउंट नहीं किया जाता। कहा है आप? अब अपने आप से थोड़ा सा पूछिए कि मैं कहां पर हूं। जब आप अपने आप को ही नहीं पूछोगे आप कहां पर हो, किसी स्कूल में जाने वाले बच्चे को पूछा जाए तुम्हारी मां क्या करती है, कुछ नहीं करती, घर में रहती। उसकी मां, उसके बेटे को पूछा जाए कि तुम्हारी मां क्या करती है, कह नहीं करती, बुरी चस्त। उसकी मां को पूछा जाए, उसके बेटे को पूछा जाए कि तुम्हारी मां क्या करती है, और बेटा जवाब क्या देता है? उसको पूछा जाए पिताजी क्या करते, वो काम पर जाते, नौकरी करते, फला फला जगह पर मैनेजर है, फला फला जगह पर काम करते। उसी लड़के को पूछा जाए कि तुम्हारी मां क्या करती, कुछ नहीं करती, घर में रहती, सवेरे सबसे पहले उठती है, रात में सबसे लास्ट में सोती है, 18-18 घंटे काम करती है, फिर भी उसका अपना बेटा क्या कहता है, नहीं मां कुछ नहीं करती, घर में रहती। तो महिलाओं के काम का कोई कीमत है? उसका घर में होने का कोई वजूद है? नहीं है। तो वो कहां पर है? उसकी अपनी आइडेंटिटी क्या है? उसके अपने नाम की कोई पहचान है? नहीं। हजारों सालों से ब्राह्मणों ने वो पहचान मिटा दी, आज भी वही है। आज उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। अगर उसकी आज अपनी कोई पहचान नहीं है तो वो किस तरीके से जिंदा है? अगर ये सवाल समाज व्यवस्था के साथ में जोड़ा देखा जाए तो भी समझ में आएगा कि क्या परिस्थिति है। हम लोग उस पहचान के लिए, एक आइडेंटिटी के लिए, मेरा वजूद है, और वो वजूद जितना दूसरों का है उतना हमारा भी है। हर जगह पर ब्राह्मणों ने इस बात को इनकारा हुआ है। भारत की जो व्यवस्था बनाई गई साथ बहुत ज्यादा जटिल है, और इस जाति व्यवस्था की व्यवस्था को बनाने के लिए ब्राह्मणों ने महिलाओं का आधार लिया और महिलाओं के आधार पर जाति व्यवस्था खड़ी की। ये जो सारा गुलामी का जो सारा ढांचा जो है, जितनी भी सारी आप समस्या गिनाते हो, वो सारी समस्या जितनी है, कमी का समानता है, अस्पृश्यता है, गैर बराबरी, जितनी सारी समस्या गिनाओ, वो सारी समस्याओं का अंत आता है जाति व्यवस्था। और ये जो सारी जाति व्यवस्था है वो महिलाओं के आधार पर खड़ी है। सारी जाति व्यवस्था का सारा पक्ष निकाल कर देखो कहां पर खड़ा है, महिलाओं के आधार पर खड़ा। जिस दिन महिलाएं इस जाति व्यवस्था के विरोध में खड़ी हो जाए और इस व्यवस्था के विरोध में खड़ी हो जाए, उसकी मानसिकता उसके लिए बनी जाए, ये व्यवस्था टिक नहीं पाए। इसलिए हर संभव कोशिश करके महिलाओं को रोका गया, उसका प्रति प्रबोधन किया गया, उसके अंदर प्रति जागृति पैदा कर दी, सारा मामला खड़ा किया। ज्योतिराव फुले उस कड़ी को तोड़ना चाहते थे, साहू महाराज बाबा साहब अम्बेडकर इस कड़ी को तोड़ना चाहते थे। आज डीएनए के रिसर्च ने भी साबित किया कि उस कड़ी को तोड़ना है तो उस लड़ाई में महिलाओं को शामिल करना होगा, मगर नहीं हो पा रहा। जागरण हमारा प्रबोधन जो है उस दिशा से होना चाहिए। इस बात के लिए महिलाओं को बहुत ज्यादा पहल करने की जरूरत है। सावित्रीबाई फुले जी का जीवन, यहां जितनी भी सारी महानायिकाएं हमारे सामाजिक आंदोलन में आई है, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को हमको मिलता है, मगर उस सीखने को जब हम अमल करने के लिए जाते तो समझ में आता है कि कितनी प्रतिक्रिया होती है। आज जब हम सामाजिक जीवन में जी रहे तो हमको पता है कि लोग हमको कितना ज्यादा परेशानी करते, कितना ज्यादा तकलीफ हमको उठानी पड़ती है, हमसे हजार गुना ज्यादा तकलीफें उन लोगों ने उठाई, मगर उसके बदले में उन्होंने किसी तरीके से कोई अपेक्षा समाज से नहीं रखी। इतना ज्यादा मामला उन्होंने किया। आज इस जयंती के अवसर पर साथ बहुत सारे कुछ बोलने के लिए मुद्दे है, कभी विस्तार से जब हम इस बारे में जानेंगे, सावित्रीबाई फुले जी का जीवन कार्य और उनकी जो विरासत थी, उस विरासत को साथियों हम लोगों को समझने की जरूरत है। ज्योतिराव फुले जी के इस आंदोलन में सावित्रीबाई फुले जी का क्या रोल था, कितना बड़ा काम था, जो उनके आंदोलन के दौर रहे 1848 से लेके 1873 में जब सत्यशोधक समाज स्थापन किया, वो एक बड़ा क्रांतिकारी दौर जब बाबा मतलब ज्योतिराव फुले जी के आंदोलन से शुरू हुआ, उसके बाद साथियों 1873 से लेके 1890 तक लगभग 17 साल सावित्रीबाई फुले जी ज्योतिराव फुले जी के सत्यशोधक समाज के आंदोलन में सक्रियता से थी। और बड़ा एक दौर जो है ज्योतिराव फुले जी के निर्वाण के बाद में 1890 से लेके 1897 तक, वो 8 साल
ज्योतिराव फुले जी के निर्माण के बाद में सावित्री बाई फुले जी ने चलाया। सत्य सुधक सम्मेलन जो है उनकी अध्यक्षता है की उस कारवा को आगे बढ़ाया और हर वो संभव कोशिश की कि ज्योतिराव फुले जी का आंदोलन किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे ही जाए, उसके लिए उन्होंने कोशिश की। 50 साल वो सामाजिक जीवन में रही, 50 साल कोई साधारण बात नहीं है। हम लोग थोड़ा बहुत काम कर लेते तो अपनी पीठ थरथर रहे, मैं 10 साल से काम कर रहा हूं, मैं 15 साल से काम कर रहा हूं, मैं 20 साल से काम कर रहा हूं। जिनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता उनके पास बोलने के लिए उम्र होती, जिनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता उनके पास क्या होता है, बोलने के लिए केवल उम्र होती। मैं इतने साल से अधिवेशन जा रहा हूं, इतने साल से काम कर रहा हूं, 50 साल के, इससे ज्यादा हमारी उम्र ही नहीं होती, उससे ज्यादा उन्होंने सामाजिक जीवन में काम किया। वो एक केवल शिक्षिका नहीं थी, उन्होंने लिखा और वो व्यवस्था के विरोध में लिखा। रामदास स्वामी जी ने एक रामदास स्वामी ने एक जगह पर लिखा, जगी सर्व सुखी कोना है, एक कोना उनका मराठी में श्लोक है। सावित्रीबाई फुले जी ने उसका जवाब दिया कि जगात सुख है, जगातला सर्व सुखी कौन है, अज्ञान कहां से आया, उसका भी उसका खंडन किया कि आपके इस गैर बराबरी के कारण अज्ञान आया, अशिक्षा के कारण आया, और उसका मुक्ति का मार्ग भी उन्होंने बताया। तो उन्होंने लिखा और लिखने के साथ साथ उस व्यवस्था के विरोध में लिखा। उनके पोएट्री के जो वॉल्यूम्स है वो पब्लिश है, ज्योतिराव फुले जी के और उनके जो लेटर करस्पॉन्डेंस है वो भी पढ़ने लायक है। पति पत्नी के अंदर कितना ज्यादा संवाद उच्च दर्जे का होता है, अगर वो आपको पढ़ना है समझना है तो बाबा अंबेडकर ने रमाई को जो लिखे हुए खत है और ज्योतिराव फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी का जो पत्र व्यवहार है उसको आप पढ़िए कि कितना ऊंचे दर्जे का पति पत्नी के अंदर संवाद होता है। एक आंदोलन के साथ जुड़ने वाले लोगों का जिंदगी का जीने का नजरिया कितना होता है आपको देखने को मिलेगा। ज्योतिराव फुले जी कहते हैं कि मैं अपने जीवन में जो कुछ कर पाया उसकी सारी प्रेरणा सारा कारण सावित्रीबाई फुले जी है, और सावित्रीबाई फुले जी कहते हैं कि मुझे जो कुछ करने का मौका मिला वो मेरे पति के कारण मिला। एक दूसरे के प्रेरणा स्रोत थे, वो एक दूसरे के प्रेरणा स्रोत थे। इतना ही नहीं, जब ज्योतिराव फुले जी का और सावित्रीबाई फुले जी का कार्य शुरू हुआ, जिस बात का जिक्र काटकर मैडम ने किया कि उनके भाई ने उनको खत लिखकर गालियां दी, उनको डराया धमकाया, तो उन्होंने उसी भाषा में उसको खत लिखा, उसको समझाया कि तू नादान है और तेरे ऐसी गिदड़ भक्तियों से कुछ होने वाला नहीं है, हम ये काम छोड़ने वाले नहीं है, पूरी ताकत के साथ में मिलकर मैं इस आंदोलन में शामिल होने वाली हूं, और आखिर तक उन्होंने किया। तो बहुत ज्यादा हर रोल पर आप उनको देख सकते हैं, एक आंदोलन के नेता के तौर पर, एक आंदोलन का महान नेतृत्व सावित्रीबाई फुले जी ने किया। जब तक ज्योतिराव फुले जी थे तब तक ही किया, ऐसे नहीं, ज्योतिराव फुले जी के निर्माण के बाद में भी किया। 1896 में बहुत बड़ा अकाल महाराष्ट्र में पड़ा था, उसी समय में प्लेग भी महाराष्ट्र में आया था, तो जिनको आजादी के आंदोलन के सुरमा कहा जाता था वो तिलक और चिपलूनकर पुणे में क्या कर रहे थे, तो तिलक अखबारों में लेख लिख रहे थे और चिपलूनकर जो है मराठी में व्याकरणा में जो व्याकरण जो होता है, ग्रामर जो होता है, उसके अंदर की गलतियां निकालने का काम कर रहे थे। भाषा शुद्ध होनी चाहिए, और तिलक अखबारों में लिखने का काम कर रहे थे, और जब ये मामला आगे बढ़ा, बहुत ही ज्यादा प्लेग बढ़ा, तो दोनों पूना छोड़कर भाग गए थे। उस समय सावित्रीबाई फुले जी पूना में डटकर रहकर उन लोगों को बचाने का काम कर रही थी। मतलब केवल भाषणों तक वो सीमित नहीं था, केवल बयानों तक वो सीमित नहीं था, उस लड़ाई में वो शामिल हुई, सत्य शोधक समाज का नेतृत्व किया, उनकी अध्यक्षताएं की, और पूरे महाराष्ट्र में नहीं, सत्य शोधक समाज की शाखाएं अलग अलग राज्यों में चल रही थी, उसका सारा नेतृत्व, उसका सारा संचालन सावित्रीबाई फुले जी कर रही थी। तो एक आंदोलन के एक महान नेता, एक कुशल आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया, एक महान संगठक ये थे। और उस समय में जब महिलाओं का सुनने के लिए लोग राजी नहीं थे, उस समय किसी आंदोलन का नेतृत्व करना साधारण बात नहीं है। जिस दौर में महिलाओं को सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था, लोग उनकी सुनने को पसंद नहीं कर रहे थे, उस दौर में सावित्रीबाई फुले जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। अपने पति को जब उनका निर्वाण हुआ, उसकी
चिता को अग्नि देने की जब बारी आई तो ज्योतिराव फुले जी के घरवालों ने हंगामा किया, जिंदा थे तब कोई आया नहीं, मगर उस समय हंगामा किया कि नहीं नहीं उसको बेटा नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो सावित्रीबाई फुले जी ने वो सारी बातें, और उनकी ज्योतिराव फुले जी की इच्छा थी कि उनका जो निर्वाण के बाद में वो सारे संस्कार जो है उनके गवर्नमेंट मतलब उनका जो घर था उसी जगह पर किया जाए, मगर उस समय प्रशासन ने उस बात को अनुमति नहीं दी। वो हर संकट में ज्योतिराव फुले जी के साथ में थी और उन्होंने वो सारी बातें की। सहजराव गायकवाड़ जी ने जब इस बात को देखा तो उन्होंने उसका करस्पॉन्डेंस किया। ज्योतिराव फुले जी के निर्माण के समय में माली हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इकोनॉमिकली ज्योतिराव फुले बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे, मगर उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैला। आखिरी स्तर पर परिवार गया। ज्योतिराव फुले जी के निर्माण के बाद में सावित्रीबाई फुले जी ने आंदोलन चलाया, मगर माली हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी थी और बीमारी के कारण जब उनका डेथ हुआ तो उनका इकलौता जो गोद लिया हुआ बेटा था डॉक्टर यशवंत, उसकी शादी हो चुकी थी, वो भी 1906 के आसपास उसका डेथ हुआ, उसकी पत्नी मर गई और वो इतनी ज्यादा बुरे हालात में रहे। ब्राह्मणों ने कितना ज्यादा नफरत ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले जी के बारे में फैलाया था आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जब ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले जी की जो बहू है उसकी जब डेथ हुई, इतनी ज्यादा कंगाली में गरीबी में उनका जीवन रहा कि ज्योतिराव फुले जी का घर बेचना पड़ा, उनका लिटरेचर बेचना पड़ा, जो भी चीज उनको जीना रहने के लिए जरूरी थी उन्होंने की। और आखिर में ज्योतिराव फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी की बहू भूखमरी से मरी, और ये जो पूना का पर्वती का जो बहुत बड़ा फेमस टेम्पल है उस पर्वती के मंदिर के बाहर फुटपाथ पर डेढ़ दिन तक उनकी लाश पड़ी रही, डेढ़ दिन तक उनकी लाश वहां पर रही, किसी को ब्राह्मण उनकी लाश को छूने नहीं दिया। आखिर में पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ज्योतिराव फुले जी की बहू के ऊपर लावारिस समझकर अंतिम संस्कार किए। कितने लोगों को जानकारी, ज्योतिराव फुले जी की बहू के ऊपर पूना कॉर्पोरेशन के लोगों ने लावारिस के कैटेगरी में डालकर लावारिस समझकर उनके अंतिम संस्कार किए। आज उनके नाम लेने वाले हजारों लोग हैं, जानवर भी अगर मर जाए तो लोग उसको उठाकर लेकर जाते, उसके ऊपर दया दिखाते, मगर सावित्रीबाई फुले जी के परिवार के ऊपर ज्योतिराव फुले जी के ऊपर इतनी ज्यादा नफरत ब्राह्मणों ने की, इतना ज्यादा गुस्सा उन्होंने किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो मूलगामी काम किया था, उस व्यवस्था के विरोध में पहला आवाज उठाया था, मगर सावित्री का वास्तविक इतिहास हम लोगों को बताया नहीं जाता, ज्योतिराव फुले जी का इतिहास नहीं बताया जाता। हमें तो बस ये बताया जाता है कि नहीं अब हम लोग आजाद हो गए, सावित्री के लेके आओ, सावित्री चा लेके आओ, अरे लेके आओ तो लेकिन से काम का है? अगर हमें कहते हैं कि हम सावित्री की बेटियां है बहू है तो बेटी और बहू का काम क्या होता, उसका असली काम क्या है, उस विरासत को उस लड़ाई को आगे लेकर जाए, वो नहीं हो पा रहा। ब्राह्मणवाद के विरोध में महिलाओं को खड़ा होना चाहिए, ब्राह्मणवाद की इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने का काम होना चाहिए, उस लड़ाई में महिलाओं को शामिल होना चाहिए, उसके लिए महिलाओं ने पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए पढ़ना ये कोई कारण नहीं हो, पढ़ना किस लिए है? ज्योतिराव फुले जी ने सावित्रीबाई फुले जी ने हमको पढ़ाया, क्यों पढ़ाया? क्या हमको पेट पालने का व्यवस्था करके देना चाहिए? जब हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो क्या हम लोग भूखे मरते थे क्या? नहीं, ज्योतिराव फुले जी हम लोगों को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, वो क्यों? व्यवस्था को मिटाने के लिए हमारे अंदर जागृति पैदा। आज हम पढ़ लिख कर तो गए, मगर पढ़ लिख कर जाने के बाद में भी उस व्यवस्था के विरोध में कोई विद्रोह नहीं है। हमको लगता है कि बहुत अच्छा आ गया, मेरा पति नौकरी करता है, मेरा बेटा नौकरी करता है, घरदार अच्छा है, आराम से, और ये सारा माता जी की कृपा है, भगवान की कृपा है, मैं चार उपवास और ज्यादा कर लूंगी। उसको लगता है कि भूखे रहने से मेरे सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। उसके भूखे रहने से कोई सवाल तो खत्म नहीं होता। उस व्यवस्था को मिटाने के लिए महिलाओं को पहल करनी चाहिए। आज वो चरण सीमा पर असमानता की बात हो चुकी है। एक बात कहकर साथ ही उस बात को खत्म करता हूं क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। महिलाओं के संदर्भ में साथियों, भारत की समाज व्यवस्था का नजरिया जो उस समय था आज भी वही है। जेंडर इक्वेलिटी की बात हम लोग कहते हैं, लैंगिक समानता की बात होती है, मगर भारत में लैंगिक समानता या स्त्री पुरुष समानता की बात जो है ये एक अंधश्रद्धा के तौर पर है। कहीं पर भी वो बात हमको दिखाई नहीं देती। आप कहीं भी जाओ, महिलाओं को अगर आपने देखा होगा, बस में भी अगर आपने सफर किया, ये पूना कॉर्पोरेशन की बहुत सारी बसें यहां पर चलती है, पीएमटी में आपने सफर किया होगा, तो पीएमटी में महिलाओं को बैठने के लिए अलग से
हिस्सा होता है, कौन से साइड का हिस्सा महिलाओं के लिए रिजर्व होता है? दाया बाजू है। क्यों? अगर फोटो खींचना है शादी का हो या कोई भी फोटो हो, तो हमेशा जो महिला होती है वो कहां खड़ी होती? पति के कौन से साइड में खड़ी होती है? कहां खड़ी होती? दाएं साइड, लेफ्ट साइड में। क्यों? उससे एंगल अच्छा आता है, फोटो अच्छा आता है, ब्लैक एंड व्हाइट करो तो भी कलर आ जाता है। क्या होता है उसको हमेशा दाएं साइड में रखा। ज्योतिराव फुले जी सावित्री बाई को जब अपने साथ में बिठाते थे तो हमेशा बाएं साइड को बिठाते थे। हर काम का अपना एक तरीका होता है, हम काम का एक क्रांति जो होती है उसके अपने कुछ मापदंड होते हैं। बात छोटी सी है, हर जगह पर वो असमानता का बात है, मगर उसकी चर्चा मात्र क्या होती है? तो भारत आगे निकल कर गया, महिलाओं की समानता की बात होती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात होती है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ब्राह्मण कभी भी इस व्यवस्था में महिलाओं को आजाद करने की कोई विचार, कोई संकल्पना लाने वाला नहीं है। महिलाओं को इस बात के लिए पहल करने की जरूरत है। लैंगिक समानता का मतलब यह नहीं कि स्त्री और पुरुष को केवल उम्र के साथ में जोड़ा जाए या उसके काम के साथ जोड़ा जाए, नहीं। समानता का मतलब होता है मान सम्मान से लेकर हर वो चीज, उसकी पहचान से लेकर हर वो चीज जो उसको चाहिए, उसके पसंद का अधिकार। भारत में आज भी वो गुलामी की व्यवस्था बरकरार है, मैट्रिमोनियल साइट्स आज भी जिंदा है। भारत का मैट्रिमोनियल सिस्टम उठाकर देख लीजिए, आज भी आपको वो सारी चीजें दिखाई देगी। आज भी भारत में लड़की देखने का कार्यक्रम होता है, फिर उसको सवाल पूछे जाते, ये आता है क्या, वो आता है क्या, ये आता है क्या, होता है। लड़की देखने के लिए लोग आते, लड़के वाले आते, लड़की देखने को आते। हम अपने आप को सिविलाइज मानते, सभ्य मानते, और सभ्य मानने वाले लोग जो है अपने बेटियों से जो उसका मौलिक अधिकार है वो छीन लेते। मौलिक अधिकार क्या है साथियों? जानवर भी, जिसको सबसे नीचे का स्तर पर हम लोग मानते हैं, जानवर भी अपने बेटे बेटियों को आजादी का अधिकार देते। जानवर भी अपने मर्जी से अपना जीवन साथी चुनता है, जानवर भी अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनता है, मगर हम अपने आप को सभ्य कहने वाले लोग अपनी बेटियों से अपने परिवारों के अंदर रहकर भी हम लोग क्या करते हैं? उसका जीवन साथी चुनने का अधिकार चिंत। आज भी यहां पर क्या होता है? बेटियों को दिखाया जाता है, फिर उसको सवाल जवाब होते रहते हैं। मैट्रिमोनियल सिस्टम उठाकर देखो, मैट्रिमोनियल साइज पर जाकर देखो, लड़के का क्वालिफिकेशन देखो, लड़की की एक्सपेक्टेशन देखो, क्या है क्या नहीं, सारा उसमें शामिल। ये सारी जरूरत बरकरार रखने के लिए काम हो रहा है। हर जगह पर असमानता की बातें हैं, और उस असमानता के विरोध में विद्रोह करने की विचारधारा हमारे पास में है, हर वो संभव शक्ति हमारे पास में है, मगर उस शक्ति का उपयोग, विचारधारा का उपयोग नहीं हो रहा। ये केवल मात्र हम ही जो है इस आंदोलन के साथ में जुड़ने वाले लोग इस लैंगिक समानता या जो जेंडर इक्वालिटी या जो भी ज्योतिराव फुले जी की जो सिद्धांतों वाली बात है उसको लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। आप सारे साथी पूर्णकालीन प्रचारक है, हम लोग फील्ड में है तो हमें इस बात का ज्यादा एहसास है। हम जब फील्ड में जाते हैं, अलग अलग लोगों से संवाद करते हैं, तो हमको इस बात का ज्यादा अनुभव आता है। जितना आप स्टेट घूमोगे, हर स्टेट में आपको मिलने को देखने को मिलेगा कि क्या परिस्थिति है। हमने भारत के हर कोने में काम किया, हर जगह पर महिलाओं की अवस्था देखी, और उस एरिया में महिलाओं की अवस्था से समझ में आता है कि उस घर के अंदर क्या परिस्थिति है, कहां तक क्या मामला हो चुका। ये सारा हम लोगों को बदलना है, तो बदलने के लिए आप लोगों को जिद और जिद्दोजहद करने की जरूरत है। वो जिद आपके अंदर पैदा कहां से होगी? वो जिद आपको महापुरुषों के कार्य से मिलेगी कि 50 साल तक सावित्रीबाई फुले जी वो करती रही। अगर उनका निर्वाण नहीं होता तो वो जितना समय उनको मिलता उतना समय इस काम के लिए लगाती। बहुत बड़ी प्रेरणा हम लोगों को उनके जीवन कार्य से मिलती है। आज 3 जनवरी, आज उनका जन्मदिन हम लोग मना रहे, उसके पीछे भी हम लोग प्रेरणा लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। हम तो संगठन के लोग हैं तो हमारे अंदर ये प्रेरणा मिलती है, मगर साथ ही उस प्रेरणा को दृढ़ संकल्प में हम लोगों को लाना होगा। जब तक आपके अंदर इस व्यवस्था को बदलने का दृढ़ संकल्प नहीं होगा, आपकी इच्छा शक्ति और प्रेरणा से मामला आगे नहीं जाएगा। दृढ़ संकल्पित होकर ये काम करना चाहिए। सावित्रीबाई फुले जी, ज्योतिराव फुले जी की अपनी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिराव फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी
कि अपनी कोई संतान नहीं थी। उनकी शादी को 11 साल हो गए और 11 साल के बाद में एक बार सावित्रीबाई फुले जी ने अपने पति को ज्योतिराव फुले को एक बार पूछा कि आपको नहीं लगता कि हमारे घर में कोई दिया होना चाहिए, कोई कुलदीपक होना चाहिए, तुम्हारे नहीं वटन का पहले वंशाला एक दीवा ऐसा। सावित्रीबाई फुले जी ने अपने पति को पूछा कि आपको नहीं लगता कि हमारे घराने को कोई कुलदीपक चाहिए, वंशाला दीवा पाइजे। हर माँ की इच्छा होती कि एक कुलदीपक होना चाहिए, वंशाला दीवा पाइजे, दिवा कशाला पाइजे, घरा घरा आग लगा कुंतरी पाइजे, माझा टेंब्याने माझा दिवट्याने आग लगली पाइजे। सावित्रीबाई फुले जी की भी इच्छा थी कि उनका अपना कोई बेटा हो। ज्योतिराव फुले जी को आश्चर्य लगा कि 11 साल बाद सावित्रीबाई फुले जी के मन में यह सवाल आया, क्या बात। सावित्रीबाई फुले जी को उन्होंने पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारा अपना बेटा होना चाहिए, हमारे घर में कोई दिया होना चाहिए, कोई बेटा होना चाहिए। सावित्रीबाई फुले जी ने कहा कि कोई तो हो जो कहे कि इस देश में, इस धरती पर ज्योतिराव और सावित्री नाम के कोई लोग थे, आप भी मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगी, तो हमारी समाधि पर दो चार फूल चढ़ाने वाले तो कुछ लोग होने चाहिए, जो ये कहे कि भाई धरती पर ज्योति सावित्री नाम का कोई था। तो ज्योतिराव फुले जी ने अपनी पत्नी को कहा कि जो काम तुम और मैं कर रहा हूं, उस काम से हमारे अपने घर में कोई दिया नहीं होगा, मगर ये कार्य अगर पूरा हो गया तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग तैयार होंगे जो आपकी और मेरी समाधि पर फूल चढ़ाने के लिए आएंगे। लाखों करोड़ों लोग तैयार हुए। विचार कितना शक्तिशाली होता है। रमाई और बाबा साहब का भी साथ यही अनुभव हम लोगों को है। इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत उन्होंने हम लोगों को दी। उस समय अगर उन्होंने अपने परिवार की व्यवस्था की होती तो क्या होता, उनका अपना परिवार बड़ा होता मगर हमारा परिवार नहीं होता। तो वो जो समाधि ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई जी की जो है, वो एक उम्मीद लेकर बैठी हुई है, क्या कि जिस मकसद को हम लोगों ने काम किया वो मकसद अधूरा है, उसको पूरा करना होगा, और उसको पूरा करने के लिए हम लोगों को लड़ाई लड़नी है। उस लड़ाई लड़ने के लिए निरंतर प्रेरणा की जरूरत होती है। क्यों? कभी कभार लड़ते लड़ते लगता है अरे अब नहीं हो पाएगा, बहुत करके देखा कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत ढिलाई आ जाती है, थोड़ी बहुत थकान आ जाती, तो दोबारा प्रेरणा की जरूरत होगा। हमें काम करते समय निरंतर प्रेरणा की जरूरत होती है और यह कार्य हम लोगों को निरंतर प्रेरणा देता है। इसी प्रेरणा को लेकर सातवीं जयंती को हम लोग लेकर चलेंगे, वरना जयंती एक सेलिब्रेशन के तौर पर हो गई उसका कोई मतलब नहीं होगा। उस जयंती को प्रेरणा के तौर पर लागू करें और उसको अपनी जिंदगी का मकसद बना दे। महापुरुषों के जिंदगी के मकसद को जो लोग अपना मकसद बना दे, उन लोगों से समाज को प्रेरणा मिलती है, वही लोग उस विरासत को आगे लेकर जाने का काम कर सकते। नहीं तो महापुरुषों का नाम लेकर जय जयकार करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, वो लोग जय जयकार करते रहेंगे। कारवा आपको आगे लेकर जाने के लिए आपको आगे आना होगा। आज इस जयंती के अवसर पर आप सारे साथी भवन में हम लोग हर महापुरुषों की जयंती करते हैं, उनके विचारों को जानने समझने का काम करते हैं। मैं आप लोगों से इतना अनुरोध करता हूं कि इस एरिया में बहुत सारा अपना मूल निवासी भाई लोग रहते हैं, तो जो भी समय आपके पास बचता हो इस एरिया के भी लोगों को थोड़ा सा मिलना चाहिए, यहां भी हमारा समय लगना चाहिए और इस बात को आप लोगों को लेकर जाए। फिल्म भी आपको जितना समय मिले उतना आप लोग इस बात का प्रचार करने का काम करें। इसी मौके पर इतनी बात कहकर साथियों दोबारा मैं आप लोगों को नए साल की और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी के जयंती की शुभकामनाएं देता हूं, और आप लोगों ने यहां पर मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, इसलिए आप सभी साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं बोलने से ज्यादा सुनने में और उस बात को समझने में ज्यादा यकीन करता हूं, आप लोगों ने उसके बावजूद भी मुझे बुलाया, अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों ने मुझे यहां पर बोलने का मौका दिया, इसलिए आप सभी साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जितने भी सारे साथियों ने यहां पर बात रखी उन सभी साथियों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बोलने के लिए आप लोगों ने पहल की। आपका बोलना ज्यादा जिंदा है, क्यों? क्योंकि आपके पास अपना खुद का अनुभव है। जो नए साथियों ने बोलने की कोशिश की वो आपका जिंदा अनुभव है, तो किताब पढ़कर बोलना बहुत आसान बात है। आप किसी से सुनते हो बोलते हो वो बहुत बढ़िया भी भाषण होगा मगर उसका असर नहीं होता। कुछ भाषण सुनने के लिए बहुत अच्छे होते, नीटे होते हैं, मगर उन भाषणों का असर नहीं होता। आपने देखा होगा लोग जब बढ़िया भाषण सुनते उठते तो उठने के बाद में सबसे पहले क्या करते, जमीन पर अगर बैठा है या कुर्सी पर बैठा है तो अपना झटक देते, इसका मेरा कुछ लेना देना नहीं है, जैसा आया था वैसा मैं जा रहा होता। मगर कुछ नया सुना, अरे ये कुछ नया है, वो दिमाग में लेकर जाता है। अगर दिमाग में रखने लायक कुछ नहीं है वही झटक के जाता है, ये लेने लायक
नहीं है, आपका अनुभव जिंदा है और जिंदा अनुभव जो है असर पैदा करता है। इसलिए जिन नए साथियों ने यहां पर बात की, किसी को लगा होगा कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मेरी मराठी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, यहां कोई विद्वान लोगों की जरूरत नहीं है, विद्वानों की पाबंदी है हमारे यहां पर, विद्वानों को खुली छूट है, वो बाहर जाकर अपनी बातें करते रहे, यहां कार्यकर्ताओं की जरूरत है। और कार्यकर्ता भी कौन सा, जो कार्य करे वो कार्यकर्ता, एक जिंदा विचार लोगों में लेकर जाए, आपके अनुभव जिंदा है, आप लिखते हो, बोलते हो, करते हो, यही बहुत प्रेरणा वाली बात है, क्योंकि आप साधारण लोगों में शामिल नहीं हो, आपकी पहचान दूसरों से अलग है, आपका विचार दूसरों से अलग है। इसलिए जो भी बातें आप लोगों ने कही बहुत ज्यादा मौलिक है, उन बातों को आगे लेकर जाइए और हर बार ये कोशिश कीजिए कि जितना आप लोगों को मिलने का मौका मिले उतनी ज्यादा बातें आप एक दूसरे के साथ में ही, विचारों के साथ में शेयर कीजिए। आप लोगों को दोबारा, जिन लोगों ने नई बातें रखी बोलने का, बहुत ज्यादा काम किया, आपको बहुत ज्यादा मैं बधाई देता हूं, क्योंकि बामसिफ ही एक ऐसा मंच है जहां लोगों को बोलने को सिखाया जाता है। माँ पहली बार बोलने को सिखाती है और दूसरा एक बड़ा मंच बामसिफ है जो उसको सही बोलने का, क्योंकि माँ से तो हम तोता बोलने में सीखते हैं, मगर उस तोतली जुबान को एक पक्का मजबूत बनाने का काम बामसिफ के मन से होता है। और जो इस पाठशाला में तैयार होता है उसका असर जहां जाए वहां पर होता है। तो आप लोगों को बोलना होगा, क्योंकि प्रचारक गूंगा नहीं हो सकता। आप अपने आप को प्रचारक भी कहोगे और आप गूंगे रहोगे तो एक साथ दो चीजें नहीं होगी ना। पुतले नहीं बोलते, पत्थर नहीं बोलता, पत्थर की मजबूरी है, पुतले की मजबूरी है कि बोल नहीं सकता, मगर हमारी तो प्रचारक के तौर पर ज्यादा जिम्मेदारी है। इसलिए आप लोगों को पुरजोर तरीके से बोलना चाहिए। जो भी साथी यहां पर बोले उनका दोबारा मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।